भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट के बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन वो आईपीएल में जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। इस बीच एमएस धोनी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। धोनी ने राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा काम किया है। धोनी अपने राज्य झारखंड के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले शख्स बने हुए हैं। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स ने खुद इस बात की पुष्टि की है। धोनी 2022-23 में झारखंड के सबसे ज्यादा कर अदा करने वाले व्यक्ति हैं। एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन इसका उनकी आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ा है। साल 2022-23 में उनकी आमदनी पिछले साल की उनकी आमदनी के बराबर है, ये जानकारी इनकम टैक्स ने दी है। इनकम टैक्स के मुताबिक धोनी ने इस साल 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग को कुल 38 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भुगतान किया है। पिछले साल भी उन्होंने इतनी ही रकम एडवांस टैक्स के रूप में अदा की थी। उससे पहले साल 2020-21 में धोनी ने 30 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भुगतान किया था। 2019-20 में उन्होंने 28 करोड़ का अग्रिम कर अदा किया था। 2018-19 में भी उन्होंने इतनी ही रकम का भुगतान किया था। इससे पहले धोनी ने 2017-18 में 12.17 करोड़ रुपए और 2016-17 में 10.93 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया था। धोनी के जमा कराए गए 38 करोड़ रुपए के एडवांस के मुताबिक उनकी सालाना आमदनी करीब 130 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।